हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास फोर्थ का सब्जेक्ट ईवीएस का एनुअल असेसमेंट पेपर 2021 का डिस्कस करेंगे। मार्क्स मिलेंगे बच्चों आपको इस पेपर के, आपके 40 मार्क्स हैं। तो देखते हैं इसके हम वन बाय वन क्वेश्चन। क्वेश्चन वन है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ए फिलिंदा ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिलिंदा ब्लैंक्स, इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के आपको 1-1 मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, डैश इज ए सी क्रिएचर। तो आपको एक सी क्रिएचर का नाम यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर इज, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या होगी बच्चे, यहाँ पे 1098 आप लिख देंगे। नेक्स्ट है डैश डांस बिलोंग टू असम स्टेट। तो असम स्टेट से कौन सा डांस डिपेंड करता है, बिलोंग करता है, तो उसका आप लिखेंगे बीहू। नेक्स्ट है कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड डैश। तो गुरुद्वारा में कुकिंग और खाना, खाना पकाना और खाने को मिलकर हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे उसका आंसर। नेक्स्ट है डैश स्पाइस इज अप्लाइड ऑन वॉन्ट टू हेल्प दैम हील क्वाइटली। तो कौन सी जो है स्पाइस में, तो कौन सा ऐसा मसाला है जो कि घाव पर लगाया जाता है ताकि जो घाव है वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बी, स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपका बी पार्ट, उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 क्वेश्चन है, हर एक के आपको 1-1 मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इसका, रैम्प आर कंस्ट्रक्टेड इन स्कूल फॉर CWSN स्टूडेंट। तो जो रैम्प है वो CWSN स्टूडेंट के लिए क्रिएट किया जाता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे ट्रू है या फॉल्स, तो आप इसमें लिख देंगे। नंदिता केम टू बम्बई फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर हर मदर। क्या नंदिता बम्बई में अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए आई थी, तो देखेंगे आप इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पे। फादर यंगर ब्रदर इज कॉल्ड चितापा इन मलयालम। क्या मलयालम में पिता के छोटे भाई को चितापा कहा जाता है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे। केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्री कॉज वाटर पोल्यूशन। तो जो केमिकल्स निकलते हैं फैक्ट्री से, क्या वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो वे करते हैं, ट्रू लगा देंगे आप इसमें। पोलियो इज ए वाटर बॉर्न डिशीज। तो क्या पोलियो वाटर बॉर्न डिशीज है, तो इसका आंसर आप ट्रू और फॉल्स में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन सी, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। तो वन वर्ड में आपको आंसर देना है। 6 क्वेश्चन होंगे आपके पास, यहाँ पे आपके पास 5 क्वेश्चन है और यहाँ पे आपके पास मार्क्स 12 12 है, तो इसमें आपको हर एक का मार्क्स मिलेगा 2.4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, नेम वन फ्रूट ऑफ समर सीजन। तो समर सीजन में कोई एक फ्रूट का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप मैंगो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वो गिव टाइटल ऑफ प्रिज्म टू डॉक्टर वाहिदा। तो डॉक्टर वाहिदा को प्रिज्म का टाइटल किसने दिया था, तो इसका नाम लिखेंगे आप यहाँ पे। नेम एनी वन स्पाइस विच इज मिक्सचर ऑफ मैनी स्पाइसिस। एक स्पाइस का नाम बताना है, कैसे मसाले का नाम बताना जो काफ़ी सारे स्पाइसेस से मिलकर बना होता है, तो इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे आप। नेम अने वन वाटर बॉर्न डिशीज, वाटर से होने वाली कोई एक बीमारी का नाम लिखेंगे। नेम अने वन फेस्टिवल विच यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली, विच विद अदर फैमिलीज। तो ऐसे फेस्टिवल का नाम बताना है जो आप दूसरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो आप यहाँ पे होली भी लिख सकते हैं, होली हम दूसरी फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ अने वन डिफेंस फोर्स आंसर। तो कोई भी डिफेंस फोर्स का आपको यहाँ पे एक नाम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम दे। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है और इसको यहाँ पे सामने आपको लिखना है। तो जैसे कि ये क्या दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, फील्ड्स दिख रहे हैं एंड ट्रैक्टर दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फील्ड एंड ट्रैक्टर। नेक्स्ट है ये, इसमें क्या दिख रहा है आपको, हट दिख रही है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे हट। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्लोव्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे क्लोव्स। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड वॉश वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रॉपरली बिफोर यूजिंग दैम। तो इस ये आपका 3 मार्क्स का है, आपको रीज़न लिखना है क्यों लिखना है, क्योंकि इससे क्या होता है जो केमिकल्स होते हैं और एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो होता है वो आपका यहाँ से हट जाता है, तो ये आपको 3 लाइन में लिखना है, तो इसको आप लिख देंगे, खुद से सोचेंगे और खुद से लिखेंगे। नेक्स्ट है वाई वीवर्स आर गिविंग अप देयर ट्रेडिशनल वर्क। जो वीवर होते हैं, जो बुनकर होते हैं, वो अपना जो पुराना काम है बुनने का, वो क्यों छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिले, बिकॉज दे आर गेटिंग लेस मनी, बिकॉज दे आर गेटिंग लेस मनी फॉर देयर वर्क। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए कम पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट है
वाई वट वॉज नॉट फेयर अकॉर्डिंग टू प्रतिभा, प्रतिभा के अकॉर्डिंग क्या चीज़ ठीक नहीं थी। तो ये भी आपका 3 मार्क्स का, तो इसको आप 3 लाइन में लिख देंगे। ठीक है, तो पूरी वर्कशीट, पूरा जो आपका पेपर था एनुअल असेसमेंट कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये समझ में आ गया, अच्छा लगे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना पेपर कीजिए और टीचर को सबमिट कीजिए, फुल मार्क्स ऑब्टेन कीजिए। अगर ये आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दें, और साथ के साथ जो बेल आइकन होगा उस पर भी आप क्लिक कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो बच्चे लाइक का बटन दबाए, शेयर का बटन दबाए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।